बनाएंगे ज्वार के पराठे। इसके लिए हमने 2 कप ज्वार का आटा ले लिया है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ज्वार का आटा हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये 1 कच्चा पपीता, छोटे साइज का पपीता हमने ग्रेट कर लिया है। इस तरह से कच्चा पपीता ग्रेट कर लिया है। 2 कप ज्वार का आटा और 1 छोटे साइज का पपीता। अब इस आटे में ये ग्रेट किया हुआ पपीता डाल देंगे। स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच अदरक और हरी मिर्च रस की हुई। अदरक हरी मिर्च डालने से इसका स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा, थोड़ी चटपटी हो जाएगी रोटी। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा धनिया का पत्ता डाल दें। धनिया की पत्ती डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा ये हल्का गर्म पानी लिया है हमने, डाल के जरूरत के हिसाब से पानी डाल के इसका टाइट डो तैयार कर लेंगे। इस तरह का डो तैयार कर लिया है। अब इसकी हम लोई बना लें। इस तरह से लोई बना ली है। अब इसमें ये सूखा ज्वारी का आटा ही लगा लेंगे। ज्वारी का आटा हमने हल्का गर्म पानी से लगाया है। अब इसे हम हल्के हाथों से बेलेंगे। इसका किनारा हो सकता है थोड़ा फटे। इसमें हमने पपीता डाला है, इसमें सूखा आटा लगाए और इसे बेल ले धीरे धीरे। ये इस तरह से सूखा आटा लगा के हमने बेल लिया है। अब इसे हम हाथों में उठा लेंगे। एक साइड में हमने तवा चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। तवा पे अब ये डाल दें। एक साइड सिक जाए तो इसे पलट दें। इन्हें हम पराठों की तरह सेक लेंगे। इसे खाने में अच्छी लगेगी। इसमें कच्चा पपीता डाला हुआ है ग्रेट करके, इसलिए हम इसे पराठों की तरह सेकेंगे। पपीता नहीं डालते तो ये रोटी की तरह बन जाती। एक साइड घी लगा दिया है, अब इसे पलट दे। दूसरे साइड भी घी लगा के अच्छे से धीमी आंच पे आकरा आकरा सेक लें। ये खाने में जितनी स्वादिष्ट लगती है उतनी ही हेल्दी भी है। ये इस तरह से सिक गई है। इसी तरह सारे पराठे सेक लें। आटा ये पहले से लगा के ना रखें, तुरंत लगाएं और तुरंत बनाएं, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा फटेंगी। इसे बहुत धीरे धीरे बेलना होता है। सूखा आटा लगा के अच्छी तरह से धीरे धीरे बेले तो ये बेल जाएगी आराम से। ये सिक चुकी है। इसी तरह सारे पराठे सेक लेंगे। 2 कप आटे से 7 पराठे बने हैं हमारे। ज्वार का पराठा रेडी है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें। ये काफी हेल्दी भी है। इसे रायते के साथ, कढ़ी के साथ, किसी भी चीज के साथ सर्व करें, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आपको हमारी रेसिपीज पसंद आए तो आप शेयर जरूर करें। थैंक यू।